हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अभिनेता से नेता बने सनी देओल जब से राजनीति में आए हैं तभी से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले सनी के बाद अब उनके बेटे करण देओल भी बॉलीवुड में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। सनी देओल के बेटे करण देओल जल्द ही फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म को खुद सनी देओल ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सनी पाजी की वजह से उनके बेटे का डेब्यू अब कुछ और महीनों के लिए टल गया है। दरअसल सनी इन दिनों अपने राजनीतिक करियर में बिजी हैं और फिलहाल उनके पास अपने बेटे की डेब्यू फिल्म को पूरा करने का भी टाइम नहीं है। यही वजह है कि बार बार इस फिल्म की रिलीज डेट बदलती जा रही है। जहां ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, वहीं उसके बाद इस फिल्म को इस साल 19 जुलाई को रिलीज करने की प्लानिंग थी, जिसे लेकर सनी देओल के फैंस भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन अब एक बार फिर फिल्म पल पल दिल के पास की रिलीज डेट बदल गई है। बता दें कि हाल ही में फिल्म के रिलीज होने की नई तारीख सामने आई है। इस फिल्म को पहले 19 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन सनी देओल के राजनीतिक कामों में बिजी रहने की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। अब फिल्म पल पल दिल के पास 20 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में करण देओल के साथ सहर बांबा नजर आएंगी, जिसमें करण रोमांस के साथ साथ जबरदस्त एक्शन भी करते नजर आएंगे। बता दें कि करण देओल के डेब्यू को लेकर बॉलीवुड स्टार्स को भी काफी उम्मीदें हैं। हर किसी को लग रहा है कि करण बॉलीवुड के नए सनी देओल बन सकते हैं। पर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 20 सितंबर को रिलीज हो रही ये फिल्म करण देओल के करियर के लिए कितनी जबरदस्त साबित होती है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।